हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की मैथ का एक्सरसाइज 13.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इन नंबर्स को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जब हमने इससे पहले की क्लासेस करी थी, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म जो है छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। लेकिन इसमें हमें साथ में हम इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में करके इस तरीके से लिखेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं किया था। जब हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे ना, सिर्फ यहां तक करते थे, लेकिन अब हमें इसको यहां से आगे भी करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, देखो टू से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 0। 7 से पहले 4 है, 9 से पहले 3 है, 4 से पहले 2 है, फिर 0 है, फिर 4 सिंगल है। तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 है। 5 0, 4 0, 3 0, 2 0, सिंगल 0 है यहाँ पे, तो 0 का 0 आ जाएगा। आप इसको 10 से कर देना, क्योंकि हमने पहले 5 से किया, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 0 से, फिर हमारा 1 से होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 5 0, 10 की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पे 4 0, तो 2 तो हमारा एज इट इज आएगा ही, प्लस का साइन भी आएगा, 7 भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा। बस जो 10 की पावर है ना यहाँ पे, जैसे 5 0 तो 5 हो जाएगी, 4 0 तो 4 हो जाएगी, 3 0 तो 3 हो जाएगी, 2 0 तो 2 हो जाएगी, 1 0 है तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 है लेकिन इसके ऊपर कोई यहाँ पे पावर हमें नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। 10 के ऊपर पावर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 3 2 1 0, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी पावर्स आ जाएंगी। सेम ऐसे हमने आगे के सभी क्वेश्चन में हमने सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जितनी जीरोस हैं आप उसको आगे आगे लगाते जाओ। यहाँ पे 3 से पहले 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 0। यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 लिख दो, फिर 0 तो सिर्फ 0 का 0 लिख दो। आगे ज्यादा डिजिट की 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो होगी नहीं। फिर 6 से पहले 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दो, 1 से पहले 2 है तो फिर 2, फिर 0, फिर सिंगल। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो 6 0 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 को देखो, यहाँ पर 6 0 है तो आगे जो हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 से, फिर आगे जो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 वाले से, फिर 3 0, फिर 2 0, फिर उसके बाद जो हमारा है 90, 2 0 के बाद 1 0 और सिंगल 1। ऐसे ही पहले हमारी 6 0 आई हैं तो हमने पावर 6, फिर 5 0, फिर 4 0 तो पावर 4, 3 0 है तो पावर 3, 2 0 है तो पावर 2, 1 0 है तो पावर 1, कोई भी 0 नहीं है तो पावर 0 हो जाएगी 10 की, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारे सेम इसी तरीके से होंगे, आप देख सकते हो। 3 पार्ट और 4 पार्ट दोनों जो है इसी तरीके से करने हैं। अगर बीच में 0 आ जाती है तो आप उसको ऐसे ही लिख दिया करो, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो नीचे वाली लाइन में आपको करना होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 है तो यहाँ पे 5 0 आएगी, फिर 0 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 वाले से करोगे, फिर आगे 3 0, फिर 2 0, फिर 9 1 0 वाला, फिर सिंगल 1 आएगा, फिर नीचे पावर लिख दो। ऐसे ही सेम इसमें भी हमने किया है, 4th पार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। 5th में भी सेम इसी तरीके से करना है, सेम उसी तरीके से आप 5th में भी करोगे। अब जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब हमें यहां पर जो है ना क्या करना है, नंबर्स में चेंज करना है। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1st में एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 4 3 2 1 0 दे रखी, अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर्स में लिखेंगे। यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो यहाँ पे कितनी 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे देखो यहाँ पर जो है 0 है, ठीक है। 0 के साथ जो हमें कितनी भी पावर दे रखी हो, हमारा आएगा क्या, 0 ही आएगा, ठीक है। तो पहले हमारी 4 0, फिर 3 0, फिर 2 0, क्योंकि 2 दे रखा है तो 2 0, फिर 1 दे रखा है तो 1 0। कोई भी 0, कोई भी पावर नहीं होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8000, फिर 6000, फिर 0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, और 5 को 1 से करोगे तो 5। बी वाला देखो, बी में दे दी कि यहाँ पे 10 की पावर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0, तो 5 है तो 5 0, 3 है तो 3 0, 2 है तो 2 0, और 0 है तो 1 वैल्यू। मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 2 से। अब हम इन सबको अगर प्लस करते हैं तो देखो, अगर हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 5, फिर 1 2 3 और 2, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारा आता है 4 0 5 3 0 2। वही हमने इसको यहाँ पे लिख देना है।
ऐसे ही हम सी में करेंगे, फोर अगर पावर दे रखी है तो हम इसको 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वन लगा के, टू पावर दे रखी है तो वन लगा के 2 जीरो, और कोई भी पावर नहीं दे रखी तो उसकी वैल्यू 1। उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमने नीचे लिख दिया, इन सबको प्लस किया, हमारा ये आ गया। ऐसे ही डी पार्ट में पावर 5 दे रखी है, पावर 2 दे रखी है, पावर 1, तो जितनी भी पावर दे रखी है उतनी 0 लगा देंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, डी में क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसका फर्स्ट, यहाँ पे हमें जो है इसको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखो, इसमें हमें कितने यहाँ पे जो है, पहले जो हमारा नेचुरल नंबर दे रखा है उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यानी कि जब हमें कोई भी हमें यहाँ पे डेसिमल नहीं दे रखा होता तो उसके स्टार्टिंग में एक डेसिमल होता है, तो ये डेसिमल हमारा जो है वो नेचुरल नंबर के साथ जो है वो हमारा यहाँ पे लगेगा। तो कितने यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो डेसिमल दे रखा है, जो हमें दिख, मतलब कि जब हमारा किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो वो हमारा यहाँ होता है, तो कितने डिजिट जो है हमारा डेसिमल आगे गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट जो है हमारा डेसिमल आगे गया, तो यहाँ पर जो है हमने इसके डेसिमल लगा दिया, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 10^7, क्योंकि 7 डिजिट जो है हमारा डेसिमल आगे गया था, तो यहाँ पर अब हमने लिखा है यहाँ पे 5.0। तो पॉइंट से पहले जो हमारा जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप चाहे तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिख सकते हो, नहीं तो इसको बिना इसके भी लिख सकते हो, तो आ जाएगा 5 × 10^7। ऐसे यहाँ पे जो है हमारा डेसिमल है, हमारा नेचुरल नंबर यहाँ पे आएगा, तो कितने डिजिट आगे गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हमारे 10 की पावर यहाँ पे 6 हो गई, तो डेसिमल हमारा आ गया यहाँ पर बिल्कुल 7 और 0 के बीच में। ठीक है, तो 7.0 हो गया, तो आप चाहे 7 लिखो चाहे 7.0 दोनों लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कि 9 डिजिट वो आगे चला गया, तो इसलिए 10 की पावर क्या हो गई यहाँ पे, 9 हो गई, तो हमारा डेसिमल यहाँ लग गया। ठीक है, अब डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट है वो सब इम्पोर्टेंट है, 0 तो नहीं है, इसलिए हमें ये सारी डिजिट लिखनी है। फोर्थ में भी ऐसे ही करेंगे, अब देखो कितने डिजिट आगे जाएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 डिजिट आगे गया तो 10 की पावर 5 हो गई। अब हमारा डेसिमल यहाँ है तो हमें यहाँ लेके आना, कितना आगे जाएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट जो है हमारा डेसिमल आगे गया इसलिए 10 की पावर 4 हो गई। यहाँ पे देखो 2 डिजिट पहले से हमारा यहाँ पे डेसिमल लगा, लेकिन हमें कहाँ लगाना है, यहाँ, तो कितने डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3, इसलिए 10 की पावर 3 हो गई, डेसिमल हमारा इधर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो भी हमें यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। नंबर हमें ये दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। अब हमें जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान न दें और हमें जो नंबर दे रखे हैं ना, हम सिर्फ उसकी तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो एक डेसिमल होता है वो हमें कहीं पे भी नंबर में नहीं दिखता तो वो हमारा स्टार्टिंग में होता है, तो उसको हमने जो है बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल नंबर के बीच में लेके आना है। तो कितने डिजिट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आगे गया हमारा डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट जो है हमारा डेसिमल आगे चला गया, इसलिए यहाँ पे हमारी 10 की पावर 8 हो जाती है। मीटर है तो मीटर में लिख देंगे। यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखा है उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट जो हमारा डेसिमल आगे जाएगा यहाँ से, इसलिए 10 की पावर 8 हो गई, और यहाँ पर हमारा 3.0 हो गया। अब पॉइंट और जीरो, पॉइंट से पहले जीरो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप चाहे 3.0 लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमारा डेसिमल जो है वो इसके बीच में आ गया। ऐसे यहाँ पर जो हमारा डेसिमल 1 और 2 के बीच में यहाँ आ जाएगा, कितने डिजिट आगे गया ये, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए यहाँ पे 10 की पावर जो है वो 7 हो जाती है, डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। डी में देखो, डी में भी सेम इसी तरीके से करना है, यहाँ पर हमारा जो है डेसिमल आगे चला जाएगा, कितने डिजिट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट आगे चला गया, इसलिए 10 की पावर 9 हो गए। मीटर दे रखा है तो मीटर लिखोगे, जो दे रखा है आपको वहां पे लिखना भी है। यहाँ पर जो हमें ये डिजिट दे रखा है, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे जो 11 डिजिट जो है पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 है तो 10 की पावर हमारी 11 हो जाएगी, स्टार है तो स्टार, 1.0 लिखो या 1 लिखो दोनों हमारा सेम ही होता है। ऐसे एफ में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10
10 डिजिट हमारा डेसिमल आगे गया, इसलिए 1.2 हो गया ये, और 10 की पावर 10 हो जाती है। ठीक है, एनसी और जी और एच में देखो यहाँ पे मैं कितना बिग नंबर दे रखा है, क्या है इसमें, 1, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 डिजिट जो है हमारा डेसिमल यहां से आगे गया है, इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 20 हो जाती है, और पॉइंट यहाँ पे हमारा आ गया 3.0, चाहे 3.0 लिखो चाहे 3 लिखो दोनों सही है। एच में देखो यहाँ पे भी हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोमा आ गया, तो यहां पर जो है हमारा 22, यहां पर हमारा जो है क्या आएगा, डेसिमल आएगा 6 और 0 के बीच में, क्योंकि हमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे डेसिमल लगाना, तो कितने डिजिट आगे गया ये 22 डिजिट जो है ये हमारा डेसिमल आगे गया, इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 22 हो जाती है और हमारा नंबर बनता है 6.023। ठीक है, ये हमारा पूरा आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है, इससे पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आई और जे देखो, आई और जे में भी सेम ऐसे करना है, कितने डिजिट आगे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट आगे जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1.353 × 10 की पावर 9 किलोमीटर में है तो किलोमीटर। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ भी 9 डिजिट आगे गया, इसलिए 10 की पावर 9 और हमारा आ गया 1.027। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा जो एक्सरसाइज और चैप्टर जो है वो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगने पर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।